एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। एनसीईआरटी 7th क्लास का चैप्टर नंबर 4 हम लोग कर रहे थे। लास्ट वीडियो में जो है हम मैप तक आ गए थे और अब हमें जो है इस मैप में समझना है कि इसमें क्या दिया गया है, मुगलों के द्वारा जो है वो कब कब जो है यहाँ पर अपना शासन जमाया गया। अब देखिए, बाबर से प्रारंभ होता है, तो बाबर जो है उसने सबसे पहले जो है वो दिल्ली और आगरा यहाँ पर जो है वो कब्जा किया था, ठीक है, यहाँ पर जो है उसका शासन चल रहा था। उसके बाद उसका जो बेटा हुमायूं है, तो जब शेरशाह सूरी के साथ जो है उसका युद्ध होता है, चौसा का, कन्नौज का युद्ध, उसके बाद जो है वो यहाँ से जो है भारत से जो है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। जब अकबर का समय आता है तो अकबर जो है गुजरात, ठीक है, गुजरात, यहाँ गुजरात अभियान करता है, बिहार, बंगाल, ठीक है, यहाँ पर जो है उसका प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, यहाँ तक जो है वह अपना राज्य फैलाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है उड़ीसा तक जाता है, ठीक है, उड़ीसा में भी अभियान करता है, बरार, खानदेश, ठीक है, अहमदनगर, तो ये आपको जितने भी दिख रहे हैं जगह, तो यहां तक जो है वो अकबर का शासन फैला। उसके बाद आया उसका बेटा जहांगीर। तो जहांगीर के समय हमें एक ही इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि जो है राजस्थान में जो है वो मेवाड़ के साथ जो है वो संधि करता है, ठीक है, किसके समय, जहांगीर के समय होती है। इससे पहले जो है वो मेवाड़ और मुगलों की कोई भी संधि नहीं हुई थी, सबसे पहली संधि जो है जहांगीर के समय हुई। फिर शाहजहां आता है, तो शाहजहां जो है और भी ज्यादा विस्तार करता है कांधार और अहमदनगर में, ठीक है। औरंगजेब दक्षिण तक बिल्कुल जाता है, सबसे ज्यादा मारवाड़ में विद्रोह जो है औरंगजेब के समय ही देखा गया। तो बीजापुर है, गोलकुंडा है, ठीक है, यहाँ इनको जो है इसने अपने राज्य में मिलाया था औरंगजेब ने। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मुगलों का जो शासन है पूरे भारत में जो है फैला और इन्होंने अपने राज्य में जो है धीरे धीरे करके जो है सभी को मिलाया, ठीक है। यहां से दिल्ली और आगरा से बाबर जो है वो प्रारंभ करता है और धीरे धीरे जो है यह सभी को जो अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं, ठीक है। और भारत के बाहर जो है हम देखते हैं कि कांधार और काबुल, यहां जो है वो शाहजहां अभियान करता है। तो ये चीज जो है वो मैप में आपको दिखाई देगी। सन लिखे हुए हैं कि इस कश्मीर में जो अभियान कब हुआ था, 1586 में हुआ था, ठीक है। चित्तौड़ में जो है वो अभियान 1568 में हुआ था, किसने किया था ये पूछा जा सकता है, तो अकबर के द्वारा हुआ था। गुजरात में भी अकबर 1572 ईस्वी में, ठीक है, मालवा विजय होती है, रणथंभौर विजय होती है 1569 ईस्वी में। फिर बंगाल का पूछा जा सकता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनको जो है अपने राज्य में किसने मिलाया था, तब भी अब जो है वो नाम लेंगे अकबर का सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद बीजापुर और गोलकुंडा की तो बात जैसे ही आती है तो आपके माइंड में औरंगजेब आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तराधिकार की मुगल परंपरा है। अब देखिए, मुगलों में क्या परंपरा थी कि यहाँ पर जो है जो पिता होता था वो अपनी संपत्ति का बंटवारा समस्त पुत्रों में कर देता था, ठीक है, ये परंपरा थी। जबकि इसके अपोजिट जो राजपूत थे वो क्या करते थे, वो अपने बड़े बेटे को जो है गद्दी पर बिठाते थे, ठीक है, यानी वहां पर ज्येष्ठाधिकार चलता था। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार के वे सहदायात की मुगल तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। ये क्या होता है, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन जो है वो समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तो यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन यही है, ठीक है, कि मुगल जो है वो सहदायत परंपरा में विश्वास रखते थे, जहां पर समस्त पुत्रों में उत्तराधिकार का विभाजन कर दिया जाता था। इसके विपरीत जो है वो राजपूतों में ज्येष्ठाधिकार का नियम चलता था। तालिका एक में दिए गए रंगीन उद्धरणों को पढ़िए, मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए, आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायत। अब इस शब्द को आपको ध्यान में रखना है, सहदायत क्या होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ी है तो आप नहीं बता पाओगे। तो सहदायत क्या होता है, जहां पर उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है, और ये परंपरा जो किसकी थी, मुगलों की थी। इधर बॉक्स में देखिए, राजकुमारों के साथ मुगलों की शादियां। जहांगीर की मां कछुआ की राजकुमारी थी, वह आमेर या अंबेर वर्तमान में जयपुर में है, इसके राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो मुगलों के साथ जो है वो राजपूतों ने जो है जो संधियां की, शादियां की,
ठीक है, और ये जहांगीर के समय से जो है प्रारंभ हो गया था। तो जहांगीर की माँ जो थी वह कछुआ की राजकुमारी थी, ठीक है, कछुआ राजवंश की थी, ये ध्यान में रखना है। और जो शाहजहां की माँ थी वह राठौड़ राजकुमारी थी। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे? तो मुगल क्या करते थे कि या तो शादी करके या फिर जो है युद्ध करके जो है उनको मनवा लेते थे, ठीक है, और उनको जो है वो अपनी सत्ता स्वीकार करने को मजबूर कर देते थे। ठीक है, तालिका एक को फिर से देखें, जो हमने मैप देखा था, आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने उनकी सत्ता को नहीं स्वीकारा, तो उनके विरुद्ध मुगलों के द्वारा अभियान किए गए। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो जो अन्य शासक थे तो खुद ही उन्होंने जो है अपनी इच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके सामने वो कमजोर पड़ रहे थे। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किया, परंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया। तो मेवाड़ में हम देखते हैं महाराणा प्रताप को देखते हैं, उन्होंने अपनी इच्छा से जो है बिल्कुल भी नहीं स्वीकारा। ठीक है, मारवाड़ में देखते हैं चंद्रसेन जो है, उन्होंने बिल्कुल नहीं स्वीकारा। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया जैसे अकबर को ही हम देखते हैं जिन्होंने जो है सत्ता स्वीकार कर ली, ठीक है, अभियान करने के बाद तो उन्होंने जो है अपना राज्य जो है वो सौंप दिया मुगलों को और शादी विवाह भी किए, और जिनसे जो है अभियान किए थे मुगलों ने धीरे धीरे करके उनकी जागीरें भी वापस की, ठीक है, ताकि जो है मित्रता बनी रहे। तो इस वजह से भी मुगल जो है भारत के अनेक शासकों सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। औरंगजेब के समय हम देखते हैं कि ये चीज जो है वो बरकरार नहीं रह पाई। एक बार फिर तालिका एक को देखें, गौर करेंगे कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने इनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ? तो जब शिवाजी जो है मुगल दरबार में जाते हैं तो इनको जो है बहुत अपमान सहना पड़ता है, तो वहां से बिना बताए जो है औरंगजेब को बिना बताए वहां से ये चले आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है छापामार पद्धति जो है यह भी अपनाई जाती है शिवाजी के द्वारा। फिर वो जो है वो मुगल जो सत्ता है उसको स्वीकारते नहीं है, अभियान जो है लगातार करते रहते हैं। मनसबदार और जागीरदार ये दोनों शब्द जो है मुगल प्रशासन में चलते हैं। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इन छोटे समूह के साथ साथ इन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों, अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकर चाहते इन्हीं को कहा गया मनसबदार। मनसबदार किन्हें कहेंगे? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकर शाह को मनसबदार कहा गया। ठीक है, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। तो मनसब क्या है? ये एक हैसियत या पद होता है जिससे निर्धारित होता है कि वह व्यक्ति किस पोजीशन पर है। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए मनसब में क्या आता था, उसका जो ओहदा आता था, पद आता था, उसका उसे कितना वेतन मिलेगा ये आता था, और सैन्य उत्तरदायित्व यानी उसको कितने सैनिक मिले हुए हैं जिन पर उनका कंट्रोल है, तो ये सब मनसब में आता था। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना हो जाता। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे। और ये घोड़े दागने की जो प्रथा है ये औरंगजेब के समय से ही चली आ रही थी। ठीक है, और सैनिकों का पंजीकरण यानी इनका रजिस्ट्रेशन भी करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? जागीर कहा जाता था। ठीक है, तो वेतन जो है इनको कैसे मिलता था? इनको राजस्व के रूप में जो भूमि जो है उस रूप में प्राप्त होती थी। क्या कहते थे उसको? जागीर, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। तो इक्ता प्रणाली जो है ये किसकी देन है? दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनकी देन है। ठीक है, वहां इक्ता चलता था, यहां पर जो है जागीर चलती थी।
परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, ठीक है, ना तो वो वहां रहते थे और ना ही वहां पर जो है प्रशासन करते थे। वो केवल क्या इकट्ठा करते थे, टैक्स, कर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं। तो भूमि पर राजस्व एकत्रित करते थे। ये राजस्व उनके नौकर के लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। यहां पर देखिए जात की श्रेणियां कि 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था, ठीक है, तो 1000 जात से ऊपर था 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी पर थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या कितनी हो गई, 79। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा जो है वह बढ़ गया। तो यहां पर लाइन याद रखनी है आपको कि अकबर के समय जो है 5000 जात की पदवी वाले 29 मनसबदार थे, औरंगजेब के समय जो इनकी संख्या हो गई थी 79। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। प्रशासन जो है वो अकबर के समय हम देखते हैं कि बहुत ही सही था। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई, ठीक है। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा जो है वो इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले, ठीक है। पहले तो जो है इतना ज्यादा उनका पहले से ही फिक्स होता था कितना राजस्व जो है उनको वसूल करना है, लेकिन अब जो है औरंगजेब के समय जो है जब उनको इतना लंबा टाइम वेट करना पड़ता था जागीर मिलने से पहले, ठीक है, तो उनको जो है परेशानी होने लगी। तो उन्होंने कोशिश की कि जितना ज्यादा राजस्व हम वसूल कर सकते हैं भूमि से कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन पर्वतों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसान जो है उनको अत्यधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था, यह हमने अभी देख लिया है, ठीक है। औरंगजेब के समय स्थिति बहुत ज्यादा जो है वो खराब हो गई थी। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अब देखिए आपके नोट के लिए है, नोट्स के लिए, अकबर ने राजस्व मंत्री, अकबर के समय जो राजस्व मंत्री है वो कौन है, टोडरमल। इसने 10 साल 1570 से 1580 की समय अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक क्या किया, सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया गया, ठीक है। तो मैंने बताया कि औरंगजेब के समय स्थिति खराब थी, अकबर ने तो यहां पर फिक्स कर रखा था उसके राजस्व मंत्री टोडरमल ने, ठीक है, कि इस फसल पर जो है वो इतना टैक्स, जो इतना कर है, इतना राजस्व जो है वो निश्चित उसने कर दिया था। प्रत्येक सूबे, यानी तब कहा जाता था, जो आज हम प्रांत को कहते हैं वह उस वक्त सूबे कहलाते थे, को राजस्व मंडल में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा गया, जब्त कहा गया। यह व्यवस्था इन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे, सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण जो है वो गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते। 17वीं शताब्दी के आखिर से ये ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य की स्थायित्व को चुनौती दी, ठीक है। तो अब जब किसान जो है उनको बहुत ज्यादा मुसीबत जब आ गई तो उन्होंने क्या किया, मुगल साम्राज्य के प्रति जो है विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए अकबरनामा और आईने अकबरी, ठीक है। तो अब अकबर जो है इसने अपने करीबी जो मित्र है अबुल फजल, इसको कहा कि उसके शासनकाल का इतिहास लिखो। तो टाइटल जो है रखा उन्होंने अकबरनामा, ठीक है। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। शीर्षक क्या था इसका, अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान, दूसरे अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और तीसरी जिल्द आईने अकबरी। इसमें क्या था, इसमें अकबर के प्रशासन, घराना, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का
ब्यौरा मिलता है। ठीक है, इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजें, फसलें, पैदावार, कीमतों, मजदूरी, राजस्व का सांख्यिकी विवरण। इसमें से आप लोगों की इंपॉर्टेंट जो लाइन रहेगी नोट्स में वो क्या रहेगी कि सबसे पहली जो जिल्द है वो क्या बताती है, उसमें अकबर के पूर्वजों की के बारे में हमें जानकारी मिलती है कौन इनके पूर्वज थे। ठीक है, दूसरा जो है जिल्द उसमें मिलता है केवल अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण। ठीक है, अकबर के शासन का, अकबर ने कहां कहां तक जो है वो अपना राज्य फैलाया। ठीक है, और कौन कौन से जो है अभियान चलाए, ये सारी घटनाएं इसमें मिलती हैं। तीसरी जिल्द जो आईने अकबरी है जो कि प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, प्रशासन यानी कि यहाँ पर जो है सेना, राजस्व, किस तरीके से जो है भूमि पर जो है वो टैक्स कितना लिया जाता था, क्या फिक्स था, ठीक है, कौन था उसका अधिकारी, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। और इसके अलावा चीजें, फसलें, पैदावार, कीमतों, मजदूरी, राजस्व, इसका वर्णन जो है किसमें मिलता है, आईने अकबरी में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। अभी आप जो है वो चैप्टर पढ़ते जाइए और जब नोट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को करवाऊंगी एनसीईआरटी बुक का ही, तब आप लोग इनको याद करेंगे। अकबर की नीतियां, नजदीक से एक नजर, प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आईने अकबरी जो प्रशासन से संबंधित है अकबर के। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। मैंने आपको बताया आज हम जिनको प्रांत बोलते हैं ये उस वक्त जो है क्या बोलते थे मुगल प्रशासन में, सूबा। सूबे के प्रशासक जो है सूबेदार कहलाते थे जो कि राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जिसको कहा जाता था दीवान। ठीक है, हम कह सकते हैं वकील कहा जाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदारों को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि कौन था, बख्शी था जिसे सैनिक वेतन अधिकारी कहते हैं, सदर था जो कि धार्मिक कार्यों को करता था, फौजदार जो था वो क्या करता था, सेना का मुखिया था, नायक था। ठीक है, और कोतवाल कौन था, नगर का पुलिस अधिकारी। अब इस बॉक्स को देखेंगे कि जहांगीर के दरबार पर जो है नूर जहां इसका क्या प्रभाव पड़ा। मेहरू निशा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूर जहां का खिताब मिला। तो जहांगीर 1611 ईस्वी में नूर जहां को, जिनका पहला नाम क्या था, मेहरू निशा, इनको नूर जहां का खिताब देते हैं। नूर जहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रहती थी। नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी चलाए जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूर जहां के नाम से कड़ा हुआ था। बाई ओर दिया गया दस्तावेज यहां पर जो दिखाया गया है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो बाई ओर दिया गया दस्तावेज नूर जहां द्वारा जारी किया गया फरमान था, आदेश था, चौकोर मोहर बताती है। उद्दात और महान महारानी नूर जहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूर जहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो नूर जहां के सम्मान में जो है वो जहांगीर चांदी के सिक्के जो है उत्कीर्ण करवाता है। ठीक है, एक और तो जो है खुद के लिए यानी खुद की प्रशंसा में उसमें उत्कीर्ण करवाता है और दूसरी ओर जो है जो रानी है नूर जहां उसके लिए जो इसमें गढ़वाता है। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य अच्छे से चलता रहा, लेकिन 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। ये किसके समय की बात हो रही है, औरंगजेब के समय की। ठीक है, 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, देखो अकबर जिन चीजों में जो है उसने ढीलापन किया, ठीक है, लोगों की सहायता की, उसके अपोजिट काम कौन करता है, औरंगजेब करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो जनता है, किसान है, औरंगजेब के प्रति जो है वो विद्रोह करते हैं। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जैसुइट पादरियों और जरस्तु धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर जो है वो चर्चा शुरू की। तो इसने एक धर्म नहीं, यानी कि मुस्लिम धर्म ही नहीं, सभी धर्म के ऊपर जो है इसने चर्चाएं प्रारंभ की थी।
फतेहपुर सीकरी में, ये चर्चाएं जो है इबादत खाना में हुई। तो इबादत खाना कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी, किसी भी धर्म को इसने इग्नोर नहीं किया। ठीक है, इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी, जो विद्वान धार्मिक रीतियों और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती थी। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। ठीक है, तो अकबर जो है वो सभी धर्मों के लोगों के प्रति जो है उसकी सहिष्णुता की जो नीति थी, ये सबसे ज्यादा जो है जनता का उसको फेवर इसी वजह से मिला था। तो यहाँ पर इबादत खाना में अकबर जो है विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। सभी धर्म के लोग हैं, देखो यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, सभी धर्म के लोग हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग जो है इनको ये अच्छे से जो है सलाह मशवरा कर रहा है। यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायी में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि में बनाने में अकबर की मदद की। शासन के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। सबसे ज्यादा यहाँ पर मेन रोल किसका था? अबुल फजल, जो करीबी मित्र रहा अकबर का। ठीक है, और जैसे जैसे उसने सलाह दी अकबर ने इन चीजों को माना भी था, तभी अकबर की प्रतिष्ठा जो है वह बहुत अधिक बड़ी थी। एक शब्द आया था मतांधता, ये क्या होता है? ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकार पूर्व कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, अभी देखो सुलह कुल क्या है। अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है, ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है सुलह कुल। इसलिए इसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहां असहिष्णुता का मार्ग बंद था। असहिष्णुता यानी सभी मिलकर एक साथ ना बैठे, ऐसा नहीं होगा यहाँ। ठीक है, ये चीज जो है वो बंद थी। सभी मिलकर जो है वह एक दूसरे की जो है बातों को सुनेंगे और जो भी बातें होती हैं नहीं उनको भी बताएंगे। यहाँ सुन्नी और सिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। ठीक है, तो अपने पिता के बारे में बताया। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर जो हैरान भी रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासन काल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है, ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे जिनको उच्च पदों पर बिठाया गया था। कुल मनसबदारों की एक छोटी सी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% ही उन्हें और उनके सवारों को वेतन के रूप में दिया जाता था। ठीक है, तो मैंने आपको कई बार ये चीज बताई कि अकबर के समय जो है चीजें फिक्स थी, तो इस वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद जो है धीरे धीरे स्थिति जो है वो खराब होने लगी। मुगल सम्राट उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकार किसान को लाभ होता था क्योंकि वे वस्तु फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादक किसान और शिल्पकार के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाता था। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजारों अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान शिल्पकारों के समूह व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में और शक्तिशाली हो गए वो। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे,
तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी जो है वो आप लोगों के नोट करने की बात नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि 17वीं शताब्दी के बाद जो है वो हर चीज में कमी आई, लोगों ने जो विद्रोह करना प्रारंभ इसलिए कर दिया क्योंकि पहली चीजें जो है वो फिक्स थी, अब जो है उनकी आमदनी इतनी नहीं थी, खर्चे जो है वो उनके अधिक थे, निवेश करने के लिए भी उनके पास जो है वो धन की कमी हुई, ठीक है। सुलह कुल जो है ये नीति किसने चलाई, ये ध्यान में रखना है, तो अकबर के द्वारा चलाई गई। तो यहाँ चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और फटाफट आपको आंसर देना है यदि आपने चैप्टर सही से पढ़ लिया है। सही जोड़े बनाए तो मनसब जो है इसको आप किससे मिलाएंगे, पद से। मनसब क्या था, एक तरीके का औहदा था, पद था। मंगोल, मंगोल मिलाएंगे आप उज्बेक से, ठीक है। सिसोदिया राजपूत, तो सिसोदिया राजपूत जो है वो कहां थे, मेवाड़ में थे। राठौड़ राजपूत कहां, मारवाड़ में, ठीक है। नूर जहां किसकी बेगम थी, जहांगीर की, मेहरुनिसा थी। और सूबेदार जो है ये था गवर्नर, ठीक है, मिला लिया आपने। अब रिक्त स्थान भरे, तो रिक्त स्थान जो है वह भी आप फटाफट से भर सकते हो अगर आप चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से सुनते हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने याद नहीं किया है इस वजह से आप जो है वो नहीं बता पा रहे हैं, चैप्टर ही आपने सुन लिया है तो आप फटाफट बता पाओगे। तो रिक्त स्थान भरे, डैश अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। तो क्या पढ़ा था हमने, काबुल, काबुल अकबर का जो सौतेला भाई था मिर्जा हाकिम, इसके राज्य की राजधानी थी, ठीक है। दक्कन की पांचों सल्तनत, तो ये नाम जो है वो कई बार हम एक साथ भी देखते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। बरार, खानदेश, अहमदनगर, ये तीन हो गए। उसके बाद थी चौथी बीजापुर और गोलकुंडा थी, ठीक है। तो याद रखना है बरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये पांचों सल्तनत दक्कन की थी। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था तो सवार उसके डैश को दिखाता था। तो फटाफट से बताइए, सवार किसको दिखाता था, सवार दिखाता था सैन्य उत्तरदायित्व को, ठीक है। अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी डैश के विचारों को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। तो बॉक्स में भी हमने देखा था कि जो विचार है जिनकी हमने बात की, तो अकबर का जो दोस्त था अबुल फजल, इसने अकबर की जो सुलह कुल के विचार थे इनको गढ़ने में काफी मदद की थी, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आप इनके आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे पाए हो। नेक्स्ट देखिए, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन कौन से थे। तो सोचिए हमने जो है इसमें क्या पढ़ा है, ठीक है, आप सोचो और फटाफट से जो है आंसर देने की कोशिश करो। तो मैप जब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था, तो मुगल राज्य के अधीन सबसे पहले हमने क्या बात की थी, बाबर के समय, ठीक है। तो मुगल राज्य के अधीन आने वाले जो प्रांत थे वो एक दिल्ली था, केंद्रीय प्रांत, ठीक है, सेंट्रल, एक दिल्ली था और एक आगरा था। उसके बाद लास्ट है, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था। तो क्या संबंध था ये आपको जो है वो सोचना है, क्योंकि अभी हाल ही मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई है। तो चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ बहुत अच्छे तरीके से। ये जो अभ्यास प्रश्न होते हैं इनको आप बहुत अच्छे से करते रहिए, क्योंकि ये इनमें से भी प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए चैप्टर कंप्लीट हुआ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक जो है इनको आप बार बार देखिए। थैंक यू।